हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लाम में जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दी हैं, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो या फिर डिप्लोमा, या फिर अगर हम बात करें पीएचडी प्रोग्राम का, इन सभी के रिजल्ट्स के बारे में, मतलब ये कि अब तक जामिया में किस किस कोर्सेज़ का रिजल्ट आ चुके हैं और आने वाले टाइम में किस किस कोर्स का रिजल्ट आएगा, इसके बारे में और जो लेटेस्ट में अपडेट्स है जो अब तक आ रखा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अभी के हिसाब से आपको सबसे पहले तो ये करना है कि जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट jmicoe.in गूगल पे जाकर सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद आपको इस तरीके की आइकन आएगा जो मुझे दिख रहा है, एज इट इज आपको भी दिखेगा। इसके बाद आप इसके वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ पे अभी जो है जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे आप जिस किसी भी कोर्स में आपने दिया हो, सभी के रिजल्ट जो है फिलहाल अभी जो है वो एडमिशन रिजल्ट वाला आइकन पे जाने के बाद। बट अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि रिजल्ट अब तक किस किस कोर्सेज का आया है और आने वाले टाइम में किस कोर्स का बाकी रह गया है और क्या आगे का सीन है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, फिलहाल के तौर पे जामिया का अगर हम बात करें तो पीएचडी कोर्स का रिजल्ट आ चुका है, जो भी स्टूडेंट 22 सेशन के लिए दिए थे। अभी 23 सेशन का जो है फॉर्म आना बाकी है, तो इनके जैसे ही फॉर्म आएंगे, यानी सारे एग्ज़ाम अभी जो हुए हैं और जो अभी एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद आपका पीएचडी 23 का फॉर्म आएगा। तो 22 में जो भी स्टूडेंट दिए थे यानी सेशन के लिए, उसका रिजल्ट फाइनली सारे कोर्स का आ चुका है, तो वो भी आप इसी एडमिशन वाले रिजल्ट से चेक कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि पीएचडी का जो मामला है ऑलमोस्ट क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं पीएचडी, क्योंकि अपर से आई अपर कोर्स है, उसके बाद आप आते हैं पीजी डिप्लोमा कोर्स का ही है और पीजी कोर्स का ही है, क्योंकि पीजी डिप्लोमा भी है 1 ईयर या 2 ईयर का करके कोर्स का। तो पीजी डिप्लोमा की बात करने के, इसमें भी मतलब ये कि चाहे वो पीजी डिप्लोमा हो या पीजी कोर्स हो, इन सभी कोर्स में यानी मास्टर लेवल का कोर्स हो, इन सब का वैसे कोर्स का रिजल्ट आया है जिसमें सेलेक्शन जो है इंटरव्यू बेस्ड होता है, जैसे वो मास कॉम हो गया या फिर मीडिया गवर्नेंस हो, और भी ऐसे पेपर है, या MTTM हो गया, जितने भी कोर्स का अब तक रिजल्ट आया है मास्टर्स कोर्स में, वो सभी इंटरव्यू बेस्ड जिन में एडमिशन होते हैं उसके लिस्ट आए हैं, उनके अभी रिजल्ट आए हैं। अभी जो जिसमें डायरेक्ट एडमिशन हो उस मतलब वैसे कोर्स जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है उसका जो है रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो अब एक सवाल होगा कि फिलहाल तो ये जाने कि आपका इसके अलावा हम बैचलर कोर्स की बात करें तो बैचलर में सिर्फ और सिर्फ होटल मैनेजमेंट का जो B36 का नाम जो पेपर है उसका लिस्ट आया। तो आप जितने भी अब तक रिजल्ट देखेंगे, चाहे वो यूजी कोर्स का हो या पीजी कोर्स का हो या फिर एडवांस डिप्लोमा कोर्स का हो, यानी पीजी डिप्लोमा कह लीजिए, इन सभी कोर्स के जो अब तक रिजल्ट आए हैं वैसे कोर्स का है जिसमें इंटरव्यू बेस्ड होता है सेलेक्शन। तो अभी पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट बन के फिर आएंगे रिजल्ट, उसके बाद ही उन स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। इतने सारे कोर्स का फाइनली जामिया का रिजल्ट आ चुका है। अब रहा सवाल बाकी कोर्स का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी जैसे कुछ सोर्सेज से पता चला है, आज भी कुछ कोर्सेज का रिजल्ट आने वाला है। बाकी है कि थोड़ा सा आपके हक में यही है या आपके लिए बस यही बचा है कि आप साइलेंटली कह लें, जैसे भी कह लें, आपको वेट करना होगा और पेशेंस रखना होगा फिलहाल। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं बता दूं कि जो अब तक रिजल्ट आया उसके बारे में बता दिया। बाकी आप अगर अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, एडमिशन रिजल्ट वाला आइकन पर जाइए। स्कूल का रिजल्ट आ चुका है, जो भी स्टूडेंट स्कूल में एंट्रेंस दिए थे उसका लिस्ट आ चुका है, वो अपना एडमिशन है, यहाँ पे अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। हाँ, अगर रिजल्ट आया हो रहेगा तो आपको यहाँ शो करेगा, अगर नहीं आया इसका मतलब, अगर शो नहीं कर रहा है इसका मतलब रिजल्ट नहीं, साफ इसका यही मतलब निकलता है। अब थोड़ा सा इन शॉर्ट में कुछ अपडेट देते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जो भी स्टूडेंट डिस्टेंस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इस लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि जो भी स्टूडेंट जामिया के फ्री आईएएस कोचिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप इस लिंक के थ्रू डाउनलोड करेंगे, यहां पे आप जाकर चेक कर लीजिए। बाकी अगर नेक्स्ट अपडेट की ओर अगर हम बात करें यहां पे, तो स्कूल वाले स्टूडेंट, अच्छा एक तो ये कि सारे स्टूडेंट का जो है एडमिट कार्ड और जो आपने फॉर्म अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। तो स्कूल वाले स्टूडेंट जो अपने स्कूल वाले वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लेंगे, और जो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए मतलब यूजी पीजी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा, ये वो इस लिंक के थ्रू यानी कि ऊपर टॉप पर जो लिंक है उसके थ्रू आप डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छा, एक बात ये भी ऐड करते हैं यहाँ पे कि जो जहाँ तक रिजल्ट को लेकर आपके सवाल हैं, तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट आ रहे हैं, बस ये कि आप जिस कोर्स के लिए चाह रहे उसका रिजल्ट अभी नहीं आया। अभी जो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आ रहा है किसका, जिसमें सेलेक्शन जो इंटरव्यू बेस्ड है, जैसा ही ये इंटरव्यू बेस्ड वाला जो रिजल्ट है इसका यानी कि रिजल्ट है वो खत्म होगा, उसके बाद जो है फिर आपके जिसमें इंटरव्यू बेस्ड नहीं होते हैं उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे, और हो सकता है कि आज से कल तक में उसके भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इस बार लेट हो रहे हैं, लेकिन ये है कि इसके अलावा वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट बहुत जल्द बाकी कोर्स का रिजल्ट देखने को मिलेगा, यही कह सकते हैं। बाकी वैसे कोई भी डाउट्स क्वेरी अगर आपका यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।